सरगुजा में गोठान संचालन को लेकर उठ रहे सवाल के बीच एक गोठान को वास्तव में आदर्श गोठान बनाने की कवायद तेज हो गई और ये कवायद प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि जिले के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। दरअसल गोठान के बेहतर संचालन के आज गोठान पर आश्रित गाँव वालों ने प्रतिदिन एक मुठ्ठी चावल के साथ ही श्रमदान करने की भी संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री की सबसे पहली और महती गोठान योजना फंड और बदतर संचालन की वजह से धीरे धीरे बंद होने की कगार में जा रही है, लेकिन इसी बीच अंबिकापुर से लगे सरगवा गांव में संचालित गोठान को नई ऊर्जा देने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए गांव की कुछ कर्मठ युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने गाँव वालों के साथ मिलकर गोठान के बेहतर संचालन का प्रण किया, जिसके तहत अब गोठान संचालन के लिए गोठान पर आश्रित गाँव वाले अपने घर के चावल बैंक में प्रतिदिन एक चावल जमा करें और महीने में उस चावल को गोठान संचालन के लिए दान करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक घर से एक सदस्य महीने में एक दिन गोठान में श्रमदान करेगा। इधर सामाजिक संगठन और गांव के सक्रिय लोगों की बदौलत सरगवा स्थित गोठान में शुरू की गई इस परंपरा को लेकर गांव वालों में स्वाभाविक खुशी का माहौल है और गांव की महिला एक मुट्ठी चावल दान को धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रही है। उनके मुताबिक गाय के लिए एक मुट्ठी चावल देना गाय का पेट भरेगा, जिससे घर में संपन्नता आएगी। गौरतलब है कि गोठान के लिए चावल दान के लिए आज गाँव वालों को प्लास्टिक के बर्तन भी निःशुल्क मुहैया कराए गए। यहाँ गोठान में कार्यक्रम आज था कि जैसे कि एक बाल्टी मिलेगा, उस बाल्टी में रोज़ जब हम लोग दोनों टाइम खाना बनाते हैं तो एक मुट्ठी चावल बाल्टी में डालना है गौ के लिए, और रोज़ दिन डालना है और महीना में बाल्टी भर जाएगा तो फिर उसको दे देना है सचिव लोग को, फिर यहाँ गौशाला के लिए ही आएगा चावल। अच्छा लगा एक मुट्ठी चावल देने से, गौ के दान करने से तो घर में और मतलब अच्छा विकास होगा, बढ़न्ति होगा, गांव के भी विकास होगा, और महीना में एक दिन यहाँ श्रम दान भी करना है 2 घंटा के लिए करना है, देखभाल करना है। हाँ आएंगे आएंगे, अपने गांव का है, अपना है। गांव में इधर उधर चलने वाले मवेशियों को एक जगह एक बेहतर खान पान की व्यवस्था के साथ रखने के उद्देश्य से बनाई गई गोठान की खराब हालत को देखकर उठाया गया यह कदम निश्चित तौर पर प्रदेश के अन्य गोठानों के लिए मिसाल बन सकती है, बशर्ते लोगों में ऐसा ही उत्साह बना रहे। हर गांव वाला एक एक मुट्ठी अगर चावल प्रतिदिन दे दे तो लगभग 1.25 किलो 1.5 किलो एक घर से आ जाएगा, और सब चावल को इकट्ठा किया जाए तो यहाँ जो है व्यवस्थित हो जाएगा, खर्च भी निकलेगा, और गांव वालों को श्रमदान के लिए प्रेरित किए हम लोग कि भाई आप श्रमदान भी करो, ये आपका है, कम से कम महीने में एक दिन श्रमदान करो, अगर हफ्ते में नहीं करते तो कम से कम एक दिन करो, और उसी चावल के एक अंश को यहाँ आप भोजन बना के और मवेशियों को गुड़ डाल के मीठा भात खिला दो तो मवेशी भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहोगे। और इसके साथ हम लोगों की ये योजना भी है कि यहाँ छोटे मोटे कुटीर उद्योग, बाग बगीचा, तालाब, ताकि ये गोठान और सुचारू रूप से चल पाए।